Hello class 9th, very very good morning, good afternoon. How are you all? I hope all are fine and great. Today in this class from here, stanza 9, we are going to study about Bismillah Khan, Shahnai of Bismillah Khan. Karaki awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the USA, United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Mosque उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि बिस्मिल्लाह खान को बहुत से इनाम मिलने लगे तथा इनकी पहचान तीव्रता से बढ़ने लगी। वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें सम्मानित लिंकर सेंटर हॉल अमेरिका में संगीत के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में, कैंस आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड मेले में भी भाग लिया। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम ताहर मोज़ेक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। ठीक है बच्चों, नाउ स्टेंजा 10। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, है ना, पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ठीक है, राष्ट्रीय नाम जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes coveted award resting on his getting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." ठीक है, यहाँ कह रहा है कि इन 2001, है ना, सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सबसे महान नागरिक पुरस्कार, जो कि सम्मान होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सम्मान होता है, सबसे बड़ा ये सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है, भारत रत्न, ओके, तो भारत रत्न प्रदान किया गया। इसे अधिक प्रिय इनाम को अपने वच स्थल पर रखते हुए और आंखों में प्रसन्नता की चमकता के साथ उसने कहा, मैं यह कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा या तालीम दीजिए, यह भारत की सबसे महान परंपरा है। पश्चिमी सभ्यता के लोग भी अब भारतीय संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Student of his once wanted him to head a Shahnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Saab asked him if he would be able to transport River Ganga as well. Later he remembered to have said, "That is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao." ठीक है, यहाँ कह रहा है कि in spite of having traveled all over the world, है ना, सारे विश्व की यात्रा करने के बाद भी खान साहब, जैसा कि लोग उन्हें प्यार से कहते थे, है ना,
उनको बनारस और डुमराव अत्यंत ही आश्चर्यजनक शहर लगते थे। एक बार उनके एक अमेरिकी विद्यार्थी ने उन्हें शहनाई का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा था। उस विद्यार्थी ने बनारस के जैसे मंदिरों का निर्माण करके वहाँ का वातावरण बनारस में बनाने का वायदा भी किया, परंतु खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह गंगा नदी भी वहाँ पर ले आएंगे। बाद में उन्होंने याद किया कि यह कहते हुए कि जब कभी भी विदेश में होता हूँ मैं भारतवर्ष को देखने की दिली इच्छा रखता हूँ, अब मुंबई में होता हूँ तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा की सोचता हूँ, और जब वाराणसी में होता हूँ तो मैं डुमराव के अद्वितीय मठे को बहुत ही याद करता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे वर्ड मीनिंग फॉन्डली होता है, तो फॉन्डली का मतलब होता है लविंगली। ठीक है, लविंगली मतलब प्यार से, और यहाँ पे देखेंगे एक्सीडिंगली दिया है, एक्सीडिंगली मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सर्वाधिक, वेरी मच। रिक्रिएट का मतलब होता है उत्पन्न करें, टू प्रोड्यूस, और रेप्लिकेटिंग, अपनी कॉपी में जो वर्ड मीनिंग्स की कॉपी आप लोग बच्चे बनाए हैं आप उसमें आप सारे वर्ड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स को लिखते जाइए, क्योंकि अगर स्कूल डिमांड करता है आपकी फेयर कॉपी को तो यू हैव टू सबमिट विथ ओके विथ इन द फुल्ली कंडीशन। चलिए आगे देखेंगे हम, अब कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, नेक्स्ट हियर वेट, यस उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21st August 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलोंग्ड इलनेस। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. है ना? कह रहा है कि in spite of having traveled, नहीं यहाँ से था ना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, एक सच्चा मुस्लिम होते हुए भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध भारतीय सभ्यता की विरासत का उच्च एवं संपूर्ण उदाहरण है। एक कट्टर मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही प्राकृतिक रूप से शहनाई वादन करता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओके, सो आई होप, और आप लोग अपनी अपनी जो फेयर कॉपी है उसको कंप्लीट करते जाइए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।